मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड बुधवार यानी कि 15 अगस्त को देश भर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को धमाकेदार ओपनिंग मिली है। आपको बता दें कि 25 करोड़ की शानदार कलेक्शन के साथ ही अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई है। वहीं शुक्रवार को यानी कि तीसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का कुल कलेक्शन अब लगभग 40 करोड़ का है। रीमा कागती के निर्देशन में बनी ये फिल्म देशभक्ति के फ्लेवर के साथ परोसी गई है। साथ ही अक्षय कुमार, विनीत कुमार, सिंह, अमित साध, कुणाल कपूर ने शानदार परफॉर्मेंस से सभी के दिल जीत लिए। ट्रेड पंडितों की माने तो शनिवार और रविवार को फिल्म का कलेक्शन फिर से डबल आंकड़े में आने वाला है। गोल्ड 5 दिनों में 70 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर जाएगी। वहीं सोमवार की कमाई के साथ गोल्ड पैडमैन की लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर जाएगा। खास बात यह है कि अगले हफ्ते भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, लिहाजा गोल्ड के पास कमाने के लिए काफी लंबा समय है। आपको बता दें कि इस हफ्ते अक्षय कुमार की गोल्ड जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते के साथ रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट या बड़े सितारों की फिल्मों के टकराव से नुकसान तो होता है, लेकिन इस 15 अगस्त पर आई सत्यमेव जयते और गोल्ड ने जब मिलकर 45 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया तो खुशी की लहर आ गई। हालांकि दूसरे दिन दोनों के कलेक्शन को मिलाकर देखें तो सिर्फ 1/3 कलेक्शन ही मिला है। खैर, वीकेंड में देखना होगा कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।